कितनी गर्मी हो गई है बाहर। अरे भाई घर में कोई है या सारे चले गए घर से बाहर? मैं चादर रख कर आऊं। हाँ अरे मेरी प्यारी आपी, कैसे हैं आप? ओ अकबर भाई सॉरी, आप ही को देख के मैं इतना खुश हो गई कि आपको तो देखना ही भूल गई मैं। देखा इसकी ड्रामेबाजियां बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। अच्छा वैसे मुझे तो लगा था कि आप 2-3 महीने तक नाराज रहेंगी, लेकिन देखे ना हमारी मोहब्बत आपको फौरन खींच लाई। गलत फहमी है आपकी कि आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरे अब्बी का घर है, जब चाहे मर्जी आऊँ भाई। अब आ ही गई हो तो गुस्सा तो थूक दो। ये आपकी वजह से बिगड़ गई हैं। आपने ही सर पे चढ़ा के रखा है, सारी तमीज ही भूल गई हैं। अच्छा वैसे बहुत अच्छे टाइम पे आई हैं, मैं पकोड़े बना रही थी, आप दोनों के उसके साथ चाय पिलाती हूँ मैं, मजा आ जाएगा, मूड फ्रेश होगा तो दोबारा लड़ेंगे। पकोड़े और चाय, आय हाय। अच्छा बना ही रही हो तो प्याज वाले बनाना, तुम्हें पता है ना मुझे प्याज वाले पकौड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है। अरे 12:30 हो गए, आप तो जाएं जैन को लेकर आएं, बच्चा इंतजार कर रहा होगा। अभी पकोड़े तो खा लो, अभी 10 मिनट। अभी नाश्ता करके घर से आएं, जाएं बच्चे को लेकर आएं। जाओ तुम मुझे एक गिलास पानी भी पिलाओ और पंखा भी ऑन करो। आती फरमाइशें शुरू हो गई बस। भला बताओ ऐसी होती हैं रिश्तेदारियां कि शादी हुई तो बुलावा भेज दिया, मैयत हुई तो चल दिए। अम्मी आखिर वो शमसा पप्पो का ससुराल है, ऐसा ना ऐसी वैसी बात हो जाए और शमसा पप्पो को बुरा लग जाए। आखिर हमें अपनी लड़की भी तो वहां देनी है। अल्लाह ही पूछे इन लड़के वालों को, दिमाग खराब हो गए ना बिल्कुल ही। हर बेटे की माँ को अपने बेटे के लिए डॉक्टर लड़की का रिश्ता चाहिए भाई। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आती कि बेटे की उन्होंने शादी करनी है या उसका इलाज करवाना। बस ये जमाने का चलन ही बिगड़ गया है। मैं मेरी बात माने ना तो आप शमसा फुप्पो से शादी वाले दिन साफ साफ जाके बात कर लें कि कब लेकर आ रही है हमारे घर में रिश्ता। भाई आखिर कब तक ये जबानी जमा खर्च चलता रहेगा? आखिर हमें भी तो इत्मीनान हो कि बात पक्की है। तबस्सुम, हम लड़की वाले हैं बेटा, अपने मुंह से रिश्ते की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। हाँ लेकिन इसमें हर्ज क्या है? अकबर बेटा हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन एक इस मसले में छोटी सी कबाहत है, पेचीदगी है एक। वो ये कि जिस चीज की इजाजत जमाना देता है उस चीज की इजाजत शरा नहीं देती, और जिस चीज की इजाजत शरा देती है जमाना उस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी से शमसा के कान में बात डलवाती हूँ, खुद तो शमसा मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। चले ये लीजिए बिस्कुट खाइए, डुबो के अभी। हाँ तबस्सुम खाओ ना।